हेलो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में बच्चों हम लगातार 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक एक टॉपिक के मेंटल एबिलिटी के जितने भी टॉपिक्स है ठीक है तो जैसे हमने उससे पहले ऑड मैन आउट के क्वेश्चन कर लिए ठीक है सिमिलर फिगर कंप्लीट हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया सीरीज क्वेश्चन सीरीज के 50 क्वेश्चन कर लिए मतलब हमने सभी जितने भी सेक्शन जो प्रीवियस अब मैंने अभी आपको बताया 50 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए आज हम एनालॉजी यानी सा से रिलेटेड 50 क्वेश्चन करेंगे मॉर्निंग में छह बजे आपको मेंटल एबिलिटी के जितने भी सेक्शन होते हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं और बात करें अभी शाम को आपको छह बजे का कभी थोड़ा लेट हो जाएगा साढ़े बजे करीब तो आपको मिल जाएंगे मेंटल एबिलिटी के एक एक सेक्शन के फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वेश्चन नए होंगे बहुत ही अच्छे लॉजिक के साथ आपको समझाया जाएगा साथ ही कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ समझाया जाएगा आप सभी को पता है जितने भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए अब क्या एग्जाम का समय आ गया तो सीधा क्वेश्चन आए आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है ठीक है मैं जो भी समझाऊं जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आप वीडियो को पॉज कीजिए पॉज करने के बाद देखिए आपके अनुसार कौन सा आंसर है लिख दीजिए बाकी मैं समझाऊं उसके बाद देखिए कि आपका आंसर आंसर और हमारा जो है मैच कर रहा है क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो आपको खुद से आंसर देने की आदत डालनी होगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉजी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले मैं आपको समझा दूं देखिए एनालॉजी में कैसे संबंध जैसे आप समझिए कहा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन रहे ठीक है ऐसे अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए एक ऐसा डिब्बा बना हुआ है फिर यहाँ पे ऐसा लिखा हो ठीक है ऐसा कुछ है ठीक है इसके बाद यहाँ पे ऐसा 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 है ठीक है ऐसा ऐसा अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन मिल जाए ऐसा बना हुआ इसके अंदर कुछ भी आकृति हो सकती है तो आप समझ लीजिएगा एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है ठीक है एनालॉजी यानी सादिश्यता मतलब इस इस डायग्राम का जो संबंध इससे है तो उसी प्रकार से यहाँ जो भी होगा उसका संबंध किससे होगा मतलब इस यहाँ जो लॉजिक लगा है आपको सेम टू सेम लॉजिक लगा के यहाँ बताना है ठीक है मान के चलिए मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या लिख दिया है ए लिख दिया मान चलिए मैंने यहां लिख दिया ए ए के बाद मैंने यहां लिख दिया सी ए के बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे सी तो आप क्या समझ रहे हैं कि ए के बाद जो बी आता है बी को हमने एक छोड़ दिया मतलब लगातार नहीं ए के बाद बी को छोड़ा सी आ गया ठीक है तो मतलब एक गैप है यहाँ पे उसी प्रकार मैंने यहां लिख दिया ई e. यहां लिख दिया ई तो ई के बाद क्या आएगा बताइए एफ आएगा नहीं आएगा ना क्योंकि एफ के बाद क्या आएगा ई एफ जी आएगा क्यों क्योंकि देखिए यहां भी हमने एक अगला जो लेटर है उसको छोड़ा बी को यहां अगला इसके बाद सी आ गया तो यहां भी हमने ई के बाद एफ आएगा एफ को हम छोड़ देंगे एफ के बाद क्या आ जाएगा जी आ जाएगा इसी तरीके से आपको नॉर्मल नियम लगाना जो लॉजिक यहां जो नियम जो कानून यहां लगा है वही सेम टू सेम यहां भी लगाते हुए आप सभी को आंसर देना है ठीक है तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाले जो क्वेश्चन है वो किससे एनालॉजी संबंधित है ठीक है अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सभी देखते हैं तो आपको और अच्छे से चीजें समझ आ जा जाएंगी चलिए अब बताइए अब क्या क्या आ रहा है 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 इसमें देखिए यहां बना बर्फी बर्फी के आकार ठीक है, है? का आकार है ऊपर की देखिए उसमें क्या हो है? लाइन लाइन कर दी गई है अब ठीक है ये हो गया हमको लॉजिक समझ आ गया अब इस सेम लॉजिक लगाइए और इसका आंसर बताइए अब यहां पर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में भी आप ऊपर ऐसा लाइन खेस दीजिए तो ऐसा है क्या ऑप्शन में कहीं देखिए ऑप्शन नंबर बी सिंपल है ना सिंपल सबसे पहले तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है ठीक है सिंपल से वे में नॉर्मल लेते हुए चलना है अभी आप सभी के लिए मैथ्स के वीडियो अपलोड हो जाएंगे एक एक चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट पांच क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है जैसे इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं बीस पच्चीस तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे आपको हर चैप्टर से मैं पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के समझाऊंगा ठीक है आपके लिए जस्ट इसके बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम अब इसमें देखिए क्या हो रहा है एक अपना क्या है ट्रैंगल रखा हुआ है दूसरा ट्रैंगल उसके ऊपर से रखे यहाँ उल्टा करके रख दिया गया यही है देखिए पेंटागॉन है अपने पास पेंटागॉन को फिर उल्टा करके रख दिया गया है तो यहां पे देखिए कुछ कैसा आ जाएगा यहां पे ऐसा आ जाएगा ठीक है जो भी है आपका देखिए एक सेकेंड रुक जाइए बताता हूं मैं आपको ये ऐसा होगा उल्ट को हमको क्या करना है उल्टा करना है ना ये हो गया ऐसा इसके बाद इसको ऐसा देखिए ऐसा तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर सी एक ट्रेंगल था सीधा उसको उसके साथ में उल्टा करके भी दो रख दिया गया मतलब एक सीधा भी है उल्टा भी मुझे पैंटागन एक है तो दूसरा उल्टा करके रख दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है अब इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है आप सभी का सबसे पहले क्या अपने पास स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर क्या है सर्कल है सर्कल के अंदर क्या है फिर स्क्वायर है ठीक है तो इसमें क्या हुआ है जो चीजें हैं सब कुछ सेम है ठीक है लेकिन हुआ क्या है देखिए अगला जो बाहर है जो सबसे बाहर है वो देखिए जो अंदर है ना वो सेम टू सेम अंदर रहेगा ही ठीक है बस इसमें जो कलर किया गया था उसको हटा दिया गया अंदर वाले का तो देखिए यहां पे क्या है स्क्वायर है स्क्वायर जो स्क्वायर रहेगा ही बस उसमें का कलर हटा दिया जाएगा ठीक है चलिए ब्लैक कलर हो गया अब जो बाहर था स्क्वायर जो बाहर था स्क्वायर वो अंदर आ जाएगा बाहर था स्क्वायर वो अंदर आ जाएगा मतलब दूसरे नंबर पे आ जाएगा उसको फिल कर दिया जाएगा तो जो यहाँ पे बाहर था मतलब सर्कल जो था वो अंदर आ जाएगा और उसको कलर कर दिया जाएगा मतलब यहाँ कलर हो जाएगा ठीक है अब देखिए जो सेकंड नंबर पे अपना सर्कल था वो बाहर चला जाएगा तो यहाँ भी जो सेकेंड नंबर पर अपना क्या था ये था स्क्वायर तो वो बाहर चला जाएगा तो अपना आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा और बीच वाले में क्या है कलर हो जाएगा और अंदर जो है जो अपना स्क्वायर है वो खाली रहेगा तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है ऑप्शन नंबर बी ठीक है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यहां देखिए ये यह जो बीच में था सेम टू सेम बस उसको खाली कर दिया गया तो अब हुआ इसका जो ये बाहर था उसको एक स्टेप अंदर लाया गया जो बीच वाला था उसको बाहर ले जाया गया सेम सेम टू लॉजिक लगा था उसी प्रकार यहां तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यहां देखिए क्या हो रहा है पासे का खेल है देखिए इसमें क्या हो रहा है यहां जो संबंध है वैसे ही बताना है तो एक था एक को नीचे ले जाएगा देखिए इसको ऐसा घुमा दिया गया तो एक नीचे आ गया ठीक है एक ऊपर वाली की बात करें तो ऊपर वाला जो था वो नीचे आ जाएगा तो जो दो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा तो नीचे कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन में इसमें नहीं है इसको काट दीजिए इसमें नहीं है अब दो ऑप्शन हो सकते हैं ए या तो बी अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पांच और तीन पांच और तीन को ऊपर ले जाइए तो यहां पे आ गया चार और तीन मतलब तीन तो समान ही है ना यहाँ से ऊपर गया तो तीन समान है मतलब यहाँ का जो चार है वो भी समान होना चाहिए तो देखिए यहां चार है तो यहां भी चार हो गया चार हो गया ठीक है अब देखिए यहाँ पे पहले लिखा हुआ था पांच यहां पांच लिखा हुआ था तो ऊपर जाके चार हो गया मतलब क्या हुआ अंक चेंज हो गया ना तो यहाँ पे देखिए यहां पे लिखा हुआ है छह तो ऊपर जाके छह नहीं कुछ अंक दूसरा होना चाहिए ना तो यहां तो छ ही है तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता देखिए यहां चार है दो है और यहाँ एक अंक चेंज हुआ तो अपना ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए इसमें भी देखिए दो ऊपर था तो नीचे आ गया चार यहाँ से ऊपर चला गया और जो था वो क्या दूसरा अंक में बदल गया ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है अब इसमें देखिए क्या हो रहा है जो ये चीज़ें हैं जो ये चीज़ें हैं यही रहेगी ठीक है तो देखिए ये जो चीज़ें हैं वही मिल गई अब इसको क्या है ऐसा जो ये वाला पार्ट है उसको ऐसा घुमाया गया ये वाला पार्ट को ऐसा घुमा के रख दिया गया सिंपल सा तो देखिए ये जो लाइन है अपनी जो ये वाली बीच वाली जो लाइन है ये ऐसी रहेगी इसी डायरेक्शन में ठीक है तो अपना ये हो गया ठीक है ये हो गया क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है क्योंकि देखिए ये वाली लाइन जब है तो यहाँ पे ही है तो ये वाली भी यहीं पे रहेगी तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है सिंपल आंसर भी हो जाएगा लेकिन इसको और समझा देता हूँ ये वाली जो चीज़ यहाँ है उसको घुमा के आप रख दीजिए बताइए क्या हो रहा है वहीं जहां थी वहीं है ना देखिए इसको आप एक बार और देखिए देखिए चीजें जो थी वहीं पे है ठीक है तो अब क्या हुआ है देखिए यहां पे है तो ये चीजें भी यहीं पर रहेगी अब जो गोल जो अपना सर्कल था उसको देखिए कि यहां पे ऐसा घुमाया गया और ऐसा घुमाया जैसे इसमें क्या है ऐसा घुमाया गया था ये यह यहां से इसको नीचे लाया गया इसको ऊपर इधर ले गया उसी प्रकार से हमने क्या ये वाले चीज़ को इधर लाइए और ये वाले को इधर लाइए तो देखिए जैसे ये हो गया ये हो गया ठीक है

और क्या है जैसा आपका जो ट्रेंगल है वैसे ही रहेगा तो देखिए जैसा ट्रेंगल है वैसा रहा है तो अपने पास कितने थे तीन सर्कल हैं तो यहाँ पे एक दो और तीन यहाँ पे देखिए जैसा है वैसा तो चार होने चाहिए ऊपर की ओर ना मतलब ऐसे इधर ऐसा ठीक है तो यहाँ पे चार हैं बाकी किसी में नहीं है ऐसे ठीक है सीधे सीधे थे ना तो ऊपर की ओर देखिए इसमें भी सीधे इधर क्या इस डायरेक्शन में नहीं है हमारे क्या है देखिए चीज़ें ऊपर की ओर सीधी तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है अब इस थर्टी मॉक टेस्ट की सीरीज में तो आई होप आप सभी ने इनरोल कर लिया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी तैयारी हो रही होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को देखते हुए कि 30 मॉक टेस्ट की सीरीज और 50 मॉडल पेपर की सीरीज बहुत अच्छी तैयारी होगी आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं खुद की रैंकिंग जान सकते हैं किस लेवल पे आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी हो सकती है 30 मॉक टेस्ट के द्वारा साथ में 50 मॉडल पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फिफ्टी मॉडल पेपर में आपको चार क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें आपको अलग से चौबीस सौ मतलब दोनों क्वेश्चन अलग अलग होंगे मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको तैयार किया जाएगा आपको पी मिलेगा यहाँ आपको आंसर की भी मिल जाएगी आंसर मिलाइए जो समझ नहीं आ रहा है उसका वीडियो सोल्यूशन देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश

सिंपल सा है यहां क्या है अपने पास सर्कल था तो सर्कल किस में कन्वर्ट हो गया ये स्क्वायर में एक दो तीन चार एक दो एक दो तीन चार ठीक है चारों कोने से लाइन यहां पे कोने की बात हो रही है ना जो लाइन है देखिए यहां पे क्या था स्क्वायर था सर्कल था वो क्या बन गया स्क्वायर तो यहाँ भी सर्कल जो था वो क्या बन जाएगा स्क्वायर ठीक है तो यहाँ पे देखिए चार गोल क्या है चार सर्कल हैं तो एक कोने दो कोने से लाइन तीन कोने से चार कोने से लाइन ठीक है यहाँ पे भी देखिए अब ये क्या बन गया स्क्वायर बन गया एक दो तीन चार पाँच कोने से लाइन आनी चाहिए ठीक है एक दो तीन चार पाँच ठीक है तो ये देखिए सभी कोने से एक लाइन आनी चाहिए और सब कोने में मिलनी चाहिए ठीक है ना क्लियर है तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या है आंसर है ठीक है अच्छा बताइए मुझे पांच क्यों हुआ यहां पे देखिए पहले तो यहां पे एक चीज समझिए आप कि यहां पे स्क्वायर जो था क्या था जो सर्कल है अपना तो यहाँ पे कितने चार है चार है मतलब तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति तो क्या हो गई यहाँ पे क्या हो गया स्क्वायर हो गई ठीक है यहाँ पे पांच सर्कल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये स्क्वायर नहीं बनेगा ये क्या, क्या बन जाएगा पंचभुज बन जाएगा यानी पेंटागॉन बन जाएगा ठीक है पेंटागॉन बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए सभी कोने से लाइन खींच दीजिए तो ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी तो ये पेंटागोन और कहीं बना ही नहीं हुआ है अंदर में चार सर्कल है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति अंदर में पांच सर्कल है तो कितने पांच भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या है क्या बन जाएंगे पंचभुज या फिर क्या है पेंटागॉन और जबकि यहाँ पे बीच में ये एक्स्ट्रा क्या है जो सर्कल बना हुआ है इसकी ज़रूरत नहीं कि देखिए यहाँ सर्कल बना हुआ है क्या नहीं ना तो ये तो गलत हो गया बाकी हो नहीं सकते तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही है बाकी सभी कोने से क्या है लाइन आ गई मिलाएंगे उसको देखिए सभी कोने से लाइन मिलती हुई आपको दिख रही है यहाँ से देखिए यहाँ भी कंप्लीट किए यहाँ से यहाँ कंप्लीट किए बाकी हर कोने पर लाइन जैसे इसमें ये पूरी तरीके से टच है अब इसको बता दीजिए इसमें क्या हो रहा है बोलिए इसमें क्या हो रहा है सिंपल सा देखिए एक दो तीन चार मतलब स्क्वायर ठीक है और इसके जो भाग हैं ये देखिए एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ यहाँ इसको कंप्लीट कर दीजिए बस सिंपल सा यहाँ पे क्या है ट्रेंगल है ट्रेंगल है तो यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे ट्रेंगल जैसा क्या था ट्रेंगल है तो इसमें देखिए आप कर दीजिए कंप्लीट कर दीजिए सिंपल सा तो देखिए एक दो तीन तो इसको बाहर कर दीजिए इसके बाहर इसको ऑप्शन नंबर बी सिंपल है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है हो गया आंसर चलिए आगे बढ़े अब इसको देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें है अपने पास देखिए यहां पे स्क्वायर है यहां पे सर्कल है अब उल्टा हो गया यहां पे स्क्वायर यहां पे सर्कल आ गया यहां पे स्क्वायर आ गया तो उसी प्रकार समझिए यहां आपके पास क्या स्क्वायर है यहां पे क्या है हेक्सागोन है यानी छठ है तो यहाँ पे भी उल्टा क्या हो जाएगा यहां पे छठ भुज आ जाएगी आपकी ठीक है और स्क्वायर कहाँ पे चला जाएगा यहां पे स्क्वायर आपका देखिए ये वाला अब बताइए मुझे एक चीज आप देखिए यहां पे देखिए ये चीजें क्या है बीच से टच हो रही लाइन के उस पार देखिए लाइन के जो चीजें भी जा रही है बीच से देखिए ये लाइन में कंप्लीट कर तो ये देखिए तो ये स्टार्टिंग से ही टच हो रही है यहाँ नहीं कम से कम यहाँ तक तो आनी चाहिए तो ऑप्शन बी करेक्ट है ए और बी में कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों समान है लेकिन लाइन देखिए कहाँ से टच हो रही है अंदर तक आनी चाहिए ना देखिए ये लाइन क्या है अंदर तक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दसवा क्वेश्चन देखिए आप सभी इसमें क्या हो रहा है बताइए इसको 180 डिग्री 180 डिग्री रोटेट कीजिए 180 डिग्री रोटेट कीजिए तो कैसा हो जाएगा बताइए इसको ऐसा घुमा दीजिए ऐसा करके ऐसा तो ये चीज़ देखिए यहाँ से पहले ऐसा घुमाइए देखिए ऐसा है उसको आप घुमाइए ऐसा इसका फिर ऐसा ऐसा, ऐसा फाइनल आ जाएगा ठीक है ऐसा जब ऐसा घुमा के लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा जब इसको भी ऐसा फाइनल घुमा के लाएंगे आप सभी तो कैसा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए की तरह वन डिग्री ठीक है ये वाली चीज देखिए ये वाली चीज यहाँ से उल्टी हो जाएगी ये वाली चीज यहाँ से उल्टी हो जाएगी और इसके बाद ये भी ऐसा पलट जाएगा क्योंकि ऐसा घुमाया फिर इसके बाद ऐसा घुमाया तो ये वाली चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है अब देखिए इसमें इसमें तो सिंपल सा है ट्रायंगल है ट्रायंगल के ऊपर वाले भाग तो यहाँ नीचे वाले भाग हो गया तो ये ये जो चीज क्या है ऊपर है ये नीचे आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है अपना सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी अब यहां देखिए क्या लॉजिक लग रहा है बताइए मुझे यहां आप सभी देखिए नए नए क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपको नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे नए क्वेश्चन लॉजिक समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनालॉजी समझ चलिए बताइए इसका आंसर देखिए यहां क्या हुआ है जो ये देखिए तीर जो यहां लगे हुए ये दोनों को क्या है यहां देखिए टच नहीं है जिसमें टच है उसको देखिए ये दोनों में टच है ये दोनों में टच है तो इन दोनों से हटा दिया गया लाइन को हटा के क्या कर दिया गया यहां ले आया यहां और ये दोनों चीज़ यहीं छोड़ दिया इससे टच नहीं है ये वाले बीच वाले टच नहीं है तो उसको वो क्या करना है उसको यहां पर जैसा था उसको रहने दीजिए अब इसको घुमा दीजिए केवल लाइन को घुमा दीजिए तो देखिए ये लाइन देखिए इधर लंबी थी इधर छोटी थी तो देखिए अब इसको घुमाया गया तो लाइन इधर छोटी हो गई इधर लंबी हो गई जैसा का तैसा ठीक है अब इसमें देखिए इसमें लाइन टच है ना एरो से टच है तो इसको क्या कीजिए जो जो क्या है जो भी दो यहाँ एरोस्टाच उसको यहाँ पे ऐसा ही रहने दीजिए और इसको घुमा के इधर ले आइए ठीक है ऐसा ले आइए और ये वाली लाइन को भी तो हमने घुमाया था ना ऐसा उल्टा तो घुमाया था तो ये वाली चीज़ क्या उस पर पहुँच जाएगी ये वाली लाइन क्या उस पर चली जाएगी और यहाँ पर ऐसा रहेगा ही ठीक है तो कौन सा आंसर है अपना देखिए ऑप्शन नंबर सी समझ आ रहा है ना कुल मिला के ये हो रहा है जिससे जो एरो है अपना जो तीर का निशान है जिससे टच है उस चीज को टच है तो उसको वहीं हाँ रहने दीजिए एरो का निशान इसको वापस पलट दीजिए नीचे और ये वाली लाइन को भी उल्टा पलट दीजिए अगर एरो टच है तो इसको एरो को यहीं छोड़ दीजिए और उसको लाइन को उल्टे पलट दीजिए जैसे यहाँ टच नहीं इसलिए इसको कुछ नहीं किया गया यहाँ टच है तो इसको यहीं पर छोड़ दीजिए यहीं पर छोड़ दीजिए और दोनों लाइनों को इस पर ले आइए ठीक है अब ये चीजों को घुमाना है लाइन को तो ये एरो को तो यहीं पर छोड़ दीजिए टच है क्योंकि और इसको अपोजिट डायरेक्शन में ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है अब देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई आपको तैयारी करनी है मतलब चैप्टर कुछ पढ़ने हो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना हो वर्क एंड टाइम या कुछ समझ नहीं आ रहा हो आपको परसेंटेज से रिलेटेड किसी ठीक है तो उसके आप एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते हैं उसमें पूरा कंप्लीट आपको एक एक चैप्टर समझाया गया है साथ में आप उसके टेस्ट दे सकते हैं तो आपको अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए कोर्स कोर्स भी आपको पढ़ाई करनी है तो आपको अर्जुन बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सब कुछ आता है आपको प्रैक्टिस है तो आप मॉक टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं अब क्या समय आ गया मॉक टेस्ट में और मॉडल पेपर में इनरोल करके ही प्रैक्टिस करें जो भी चीज़ की जाए प्रैक्टिस करके वहीं से की जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एग्जाम हॉल में प्रेशर भी फील नहीं करेंगे एग्जाम का अगर मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर में इनरोल करते हैं तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा नवोदय अल्फा बैच अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या कुछ बच्चे स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करते हैं क्लास थर्ड में फोर्थ में तो पहले से ज्वाइन करके लगातार पढ़ाई करते हैं ताकि एग्जाम आने तक जब भी उनका एग्जाम हो तब तक पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नए क्वेश्चन हार्ड सिंपल मीडियम सभी प्रकार के ज्वाइन करके तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं नवोदय अल्फा बैच में ज्वाइन करके उसी प्रकार सैनिक स्कूल दो की तैयारी के लिए क्या है हमारा सैनिक अल्फा बैच तो इसमें इनरोल्व कर सकते हैं सैनिक स्कूल क्लास सिक्स की तैयारी मॉडल पेपर जो मॉडल पेपर बता चुका मॉडल पेपर और थर्टी मॉक टेस्ट नवोदय विद्यालय के लिए, और के लिए भी हमारे प्ले स्टोर में जाना है द्रोड़ स्कूल का आपको सभी को इंस्टॉल करना के बाद जितने भी कोर्सेज दिख जाएंगे जिसकी आपको जरूरत हो उसमें इनरोल कर अगर कोई दिक्कत आ रही जानकारी चाहिए तो सिक्स टू कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कूपन कोड लिख लीजिए अल्फा अल्फा टेन कूपन कोड अप्लाई करके आप कोर्स पे दस प्रतिशत की छूट पा सकते हैं ए एल पी एच ए वन जीरो ठीक है अल्फा टेन अल्फा टेन कूपन कोड और साथ में आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको करना क्या बच्चे क्या है डाउट में आ जाते हैं कैसे करना प्ले स्टोर पे जाना है द्रोड स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना है वहां आपको कोर्सेज मिल जाएंगे ये रहा टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी आपको क्या नए क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ प्रैक्टिस के लिए आपके डाउट वहाँ क्लियर हो जाएंगे तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा चलिए आगे आप पढ़ाई की बात करते हैं चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है ये क्या है बाहर देखिए पैंटागॉन है ठीक है पैंटागॉन तो बाहर भी पैंटागॉन हो गया ठीक है अब ये ट्रायंगल को रोटेट कर दीजिए उल्टा कर दीजिए तो ऐसा हो गया ठीक है अब जो ये अपने पास क्या था सर्कल था इसको आधा कर दिया गया ठीक है आधा कर दिया गया तो अब उसी प्रकार से सेम लॉजिक लगाते हैं इसमें हम स्क्वायर को सेम रहने देते हैं ठीक है अब जो अपने पास पेंटागॉन था उसको क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं ठीक है, है? पेंटागॉन ये देखिए एक इन हो गई पेंटागॉन को हमने उल्टा कर दिया अब जो अपने पास हैगजागॉन है उसको आधा ले लेते हैं हेक्गॉन को आधा कर लेते हैं तो हेग्जागॉन को जब आधा किया जाएगा तो क्या होगा यहाँ से देखिए सीधी लाइन आ जाएगी ऐसी इसका ऐसी आ जाएगा यहाँ से ऐसा और क् ऐसा ठीक है अब बताइए इसमें क्या आ रहा है आप सभी का ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है जो लॉजिक यहां लगा वही लगाइए ना बीच में क्या है सर्कल था तो आधा करके इसको बड़ा कर दिया गया तो हेग्जागॉन को भी आधा करके बड़ा कर दिया ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप सभी का सी क्वेश्चन नंबर चौदह देखिए इसको घुमा दीजिए इसको घुमा दीजिए तो सिंपल सा आ जाएगा आपका आंसर इसको भी इधर घुमा दीजिए तो इसको भी ऐसा उल्टा घुमा दीजिए और इसको भी उल्टा घुमा दीजिए तो कौन सा आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए ये सही है ना आप सभी का देखिए इसको ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दीजिए ठीक है इसको ऐसा पकड़ के ऐसा घुमा दीजिए तो सिंपल सा हो जाएगा आप सभी का आंसर ठीक है तो हो गया ना ऑप्शन नंबर ए अब अगला देखें इसमें देखिए यहां पे क्या तीन सर्कल बने हुए हैं तो बीच में एक गोले को क्या कर दिया गया है तीन सर्कल में से ए, तीन सर्कल यहां है यहां है यहां है तो बीच में एक सर्कल को क्या कलर कर दिया गया है अब यहां पर केवल एक सर्कल है तो यहां पे उसका अपोजिट समझिए इसको यहां तीन सर्कल को गोले कर दिया जिस जगह पे तीन सर्कल को कलर कर दीजिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तीन सर्कल क्या थे बिना कलर के थे तो उसको कलर कर दिया तो गया वहां पे बिना कलर के तो कलर कर दीजिए ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है जिस जगह पे वहीं पे कीजिए अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसा घुमा दीजिए एक बार रोटेट इसको ऐसा कर दीजिए यहाँ से ये जो ऐसा है इसको ऐसा घुमा दीजिए ऐसा ऐसा घुमाएंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा तो इसको भी ऐसा घुमा दीजिए तो ये वाली चीज क्या है नीचे पहुंच जाएगी और ये वाली इस साइड इस डायरेक्शन में आ जाएगी और ये वाली यहाँ ऑप्शन तो नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी ठीक है अब नेक्स्ट देखिए सत्रह नंबर का क्वेश्चन है अपने पास क्या क्वेश्चन है यहां पे देखिए अपने पास सर्कल है तो यहां भी सर्कल है यहां पे कितनी भुजाएं हैं तीन भुजाएं हैं तो तीन से देखिए यहां पे एक दो तीन चार पांच है पांच भुजा है तो पांच भुजा सीधी नहीं उसको क्या किया जैसे सीधी लाइन सीधी भुजा है तो उसको राउंड कर दिया गया थोड़ा हल्का देखिए क्या कर दिया गया राउंड कर दिया गया ऐसा ठीक है तो उसी प्रकार यहाँ समझें यहाँ पे भी क्या है पेंटागॉन अपने पास आएगा तो ठीक है यहाँ पेंटागॉन रहेगा अंदर में चार भुजा है तो चार थे देखिए यहाँ तीन थे तो तीन से प्लस दो हुआ तो चार से यहाँ पे प्लस दो हो जाएगा मतलब छः भुजा बनेगी और उसको थोड़ा राउंडेड कॉर्नर कर दिया जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए यहाँ देखिए जी और डी लिखा हुआ है तो सामने यहाँ पे आप रख दीजिए दर्पण तो इस तरीके से घुमाएंगे तो ऐसा हो जाएगा उसी प्रकार समझिए यहाँ दर्पण रख दीजिए तो सामने गोले वाला आधा पार्ट आ जाएगा तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए दर्पण के सामने जस्ट ये आ रहा है तो ये वाला पार्ट ही साइड सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब इसमें क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे जो अपना क्या है रेक्टेंगल उसके देखिए इसको चार भागों में बांट दिया गया ऊपर वाले पार्ट कलर किया गया फिर उसके एक छोड़ के कलर किया गया फिर यहाँ पे भी देखिए क्या है एक दो तीन चार पांच पेंटागॉन है इसको चार भागों में बांटा गया पहले कलर किया गया फिर एक छोड़ के तीसरे कलर कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अब इसमें बताइए मुझे इसमें क्या हो रहा है इसमें क्या था अपने पास स्क्वायर था स्क्वायर के नीचे क्या है सर्कल है बड़ा सा ठीक है तो अब जो छोटा था उसको बड़ा कर दीजिए जो बड़ा था उसको आधा कर दीजिए तो जो छोटा था देखिए छोटा क्या था अपना स्क्वायर था उसको बड़ा कर दिया हमने और इसको आधा कर दिया आधा करके ऊपर ऐसा कर दिया ठीक है अब जो छोटा था उसको क्या कीजिए आप सभी बड़ा कर दीजिए ठीक है जो छोटा था उसको बड़ा कर दीजिए और जो जो क्या था अपना सर्कल जो था ये उसको आधा कर दीजिए इसके बाद ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है इसको यहाँ से काट दीजिए दो भागों में ठीक है तो इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है ठीक है तो अब इसको भी देखिए कैसे काटेंगे आप सभी ठीक है अब बताइए कितना आ रहा है आप सभी का आंसर मतलब हमको कौन सा भाग दिख रहा है इतना भाग बस दिख रहा है ना देखिए आपको कलर करके बताता हूं मैं अब देखो काटने के बाद आपको इतना भाग दिख रहा है देखिए मैंने बीस से लाइन इसमें भी खींची हुई लाइन इतना भाग दिख रहा है इतना भाग दिखना चाहिए आपको देखिए इतना तो ये दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है ठीक है इसमें भी ऊपर का भाग दिख रहा है उसमें भी ऊपर का भाग दिखना चाहिए अब इसमें देखिए कौन सा आंसर आ रहा है बताइए इस ये जो अपना जो सर्कल था इसको छोटा कर दीजिए और जो ये इसको ये जो अपना ये बना हुआ है ठीक है इसको दो भागों में बांटिए और एक एक भाग को मिरर के सामने रख दीजिए मिर तो मिरर के सामने रखेंगे तो ये वाला पार्ट सामने आ जाएगा तो ऐसा घूम जाएगा इसको भी मिरर के सामने रखेंगे तो ऐसा घूम जाएगा ठीक है तो उसी प्रकार से देखिए ट्राइंगल को आप चर कर दीजिए छोटा अब इसके बाद इसके इसको दो भागों में बांटिए और इसको कर रख दीजिए कि इसके मिरर के सामने मिरर के सामने रखेंगे तो आप क्या हो गया इतना भाग इधर जब मिरर इधर रखेंगे ना मिरर तो इसमें भी यहाँ पर मिरर और एक यहाँ पर मिरर तो ऐसा घूम जाएगा इसमें में तो सीधा सीधा है दोनों तरफ तो जैसा है वैसे ही हो जाएगा दोनों तरफ तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना बताइए ऑप्शन नंबर क्योंकि ये भाग को जैसे काटा घुमाया थोड़ी गया तो इसको ऐसा घुमाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए अब इसमें बताइए देखिए इसमें क्या था एक दो तीन तो इसमें ये वाले भाग को कलर कर दिया गया ठीक है तो इसमें भी देखिए एक दो तो ये वाले भाग को कलर कर दीजिए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है कौन सा करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी जहां उसमें कलर किया गया है जैसे इसमें तीन आकृति थे तो दूसरे वाले में जो जगह थी वहां किया गया तो इसमें एक ए वाली आकृति हो गई तो इसमें दूसरे वाले में जो जगह वहां कर दीजिए आप कलर ठीक है अब चौबीस नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे रख दीजिए मिरर यहाँ पे रख दीजिए मिरर तो इसका जब मिरर सामने रखेंगे तो ये वाला जो के सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा अब यहाँ मिरर रख दें मिरर रखें तो ये चीज़ सामने वाली जो सीधी वाली चीज़ सामने आ जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और कहीं सामने सामने सीधी चीज़ दिख रही है नहीं ना तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ए देखिए पच्चीसवें नंबर का क्वेश्चन है अब देखिए ये क्या है अपने पास स्क्वायर बना हुआ है इसके इधर इधर पार्ट को कलर किया गया था तो इसके इस पार्ट को कलर कर दिया अब इधर पार्ट को कलर किया गया तो अगले वाले में जो बनेगा इधर और इधर को कलर कर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है सिंपल सिंपल है समझते हुए सुनते हुए चलना है इसमें देखिए क्या हो रहा है ये देखिए यहाँ है इसमें भी मिरर ऐसा रख दीजिए और इसका इसको घुमाया जाएगा तो ये सामने आ जाएगा उसी प्रकार यहाँ मिरर रख दीजिए तो इसको घुमाया जाएगा तो ये वाली चीज सामने आ जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर सी समझिए क्योंकि ये मिरर है तो ये सामने दिख रहा है आपके पास में है लाइन के जस्ट तो इस साइड सामने केवल एक में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है सत्ताईसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए इसमें क्या हो रहा एक ट्रेंगल है एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ये देखिए ऐसा रख दिया गया तो यहां पे भी नीचे भी आप समझिए ऐसा ही रख दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही ऑप्शन नंबर सी ठीक है अपोजिट नहीं किया गया जैसा है वैसे ही एक के ऊपर एक रख दिया गया तीन का देखिए तीन किसका सत्ताईस का संबंध है उसी पर पाँच का संबंध तीन का जब आप क्यूब करेंगे तीन गुड़ी तीन गुड़ी तीन यानी तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तो आ जाएगा ठीक है और तो पाँच का भी तीन बार गुड़ा कर दिया पाँच गुड़ित पाँच गुड़ित पाँच पाँच पंचे पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस है क्या ऑप्शन में एक सौ पच्चीस जी हाँ ऑप्शन ए वन ऑप्शन नंबर ए एक सौ पच्चीस आपका सही है अब इसको देखिए इसमें क्या हो रहा है जो सर्कल बना हुआ है सर्कल रहेगा ही ठीक है अब जो स्क्वायर ये क्या रेक्टेंगल जो भी है उसको रेक्टेंगल को पूरा लाइन से टच कर दीजिए और जो छोटा जो ट्राएंगल है उसको घुमा दीजिए उल्टा तो उसी प्रकार देखिए सर्कल अपना रहेगा ही अपना जो दूसरा बड़ा जो डायग्राम है जो सर्कल है वो उससे क्या हो जाएगा उसके अंदर जस्ट यहाँ आ जाएगा मतलब थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा उसको ये छोटा था अब जो लास्ट वाला जो था अपना ट्रायंगल उसको घुमा दिया गया था उसी प्रकार से आप पेंटागॉन को भी क्या कर दीजिए घुमा दीजिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक है बस जो लॉजिक यहाँ लगा वही लगाइए कोई दिक्कत नहीं है आपको अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे अंदर में चार थे तो उसी प्रकार ये चार हो गए तो पांच वाला जो भी होगा आपका आंसर होगा यहाँ देखिए स्क्वायर में था तो ये देखिए ऐसा है ऐसा था एक दो तीन चार तो यहाँ भी एक दो तीन चार और सर्कल हो, हो गया ठीक है तो इसी प्रकार एक दो तीन चार पाँच है पेंटागॉन है तो यहाँ भी सर्कल हो जाएगा और जो लाइन आपकी देखिए ऐसा था बर्फी सेप में था वो क्या ऐसा हो गया पंखोड़ी तो की तरह पाँच कहाँ है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है ठीक है अब इसमें देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या है एक दो तीन चार पाँच है ना पाँच है तो यहाँ पे कितनी तीन लाइनें खींची गई हैं तीन लाइनें है। तो खींची है, तो लाइने गई हैं तो यहाँ पे छः है मतलब पाँच से दो कम पाँच में से दो कटाए तो यहाँ पे तीन लाइन खींची गई यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः है तो छः महीने दो यहाँ पर चार लाइनें खींची जाएंगी ठीक है एक दो तीन चार ऑप्शन नंबर कौन सा डी बिल्कुल सही है बस नियम नॉर्मल लॉजिक से चले पाँच महीने पाँच बुझाए थी तो तीन लाइन खींची गई छः बुझाए तो दो कम पाँच से दो कम और छः से दो कम ठीक है अब इसमें देखिए इसमें क्या हुआ है ये जो है इसको बड़ा कर दिया गया है इसके बाद इसको अंदर की तरफ लाया गया है और जो है बीच में रहेगा ठीक है तो उसी प्रकार से हम करें चलिए कि इसको बड़ा कर दिया जाएगा इसको हेक्सागोन को बड़ा कर दीजिए हेक्सागोन को हमने बड़ा कर दिया इसको इसको अंदर की तरफ ले आइए जो पेंटागॉन है उसको अंदर की तरफ ले आइए ठीक है और जो गोल बीच में है बीच में रहेगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बताइए ऑप्शन नंबर डी डी सही हो रहा है बताइए हाँ जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही है ठीक यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए एक जो यहाँ था उसके जस्ट सामने आ गया ठीक है तो हमारा ए जो यहाँ है वो आ जाएगा देखिए यहाँ डिब्बा बनाते हैं ये जो आ जाएगा यहाँ क्योंकि देखिए इस वाले में जो संबंध है देखिए एक से यहाँ आ गया अब तीन जो जो भी चीज़ यहाँ रहेगी वो यहाँ पहुँच जाएगी तो जो भी चीज़ यहाँ रहेगी वो यहाँ पहुँच जाएगी देखिए एक ए इसकी जगह में आया तो सी इधर चली जाएगी ठीक है अब चार यहाँ था तो चार यहाँ पहुँच गया मतलब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर डी था तो डी यहाँ आ जाएगा ठीक है अब बच गया जो बी था मतलब जो दो था वो यहाँ खिसक के दो आ जाएगा तो यहाँ बी जो था यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बी डी सी ए बी डी सी ए कहाँ है बी डी सी ए ऑप्शन नंबर अच्छा ये अब बताइए मुझे देखिए यहाँ बर्फी के शेप में था सब कुछ बर्फ़ी का कार तो यहाँ भी बर्फ़ी का कार है यहाँ पे स्क्वायर है तो अपना आंसर स्क्वायर ही आएगा ना बर्फी शेप में थोड़ी आएगा तो कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर बी बी डी सी ए तो सही है लेकिन किस में आएगा स्क्वायर सेप में ठीक है अब यहाँ देखिए इसमें क्या हुआ है अपने पास सर्कल है सर्कल के इस भाग को कलर किया गया और दूसरी तरफ इस भाग को कलर किया गया तो इसमें भी देखिए पहले इस साइड को कलर किया जाएगा इस साइड को फिर इस साइड को किया गया तो पहले उस साइड वाला आंसर देखिए ये सही है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर बी ठीक है अब इसको देखिए इसको ऊपर वाले भाग को ऐसे पलट दिया गया नीचे भाग को ऐसे पलट दिया इसमें भी ऊपर वाले को ऐसे पलट दिए नीचे वाले को ऐसा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए ऑप्शन नंबर सी जब इसको पूरा पलटा जाएगा तो ये चीजें तो अंदर की ओर आ जाएंगी ये भी अंदर की ओर आ जाएगी ठीक है तो कौन सा सही है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी अब देखिए इसमें ए का संबंध जेड से है तो एम का किससे होगा देखिए हम ए बी सी डी देखें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है अपने पास जेड तक है, लिखा हुआ है ठीक है अब देखिए ए का संबंध जेड से क्यों क्योंकि ये देखिए स्टार्टिंग से और ये अपोजिट से पहले नंबर में है एम कौन से नंबर में है देखें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एम तेरह नंबर पर है ठीक है ए क्या है पहले नंबर पर है और ये माइनस मतलब अपोजिट से पहले नंबर पर ये सामने से मतलब सीधे से तेरह नंबर पे है अब हम देखें माइनस तेरह मतलब अपोजिट से तेरह नंबर पे कौन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब बताइए मुझे कौन सा है अपोजिट से कौन सा है देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एन एन है क्या ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो छब्बीस तो होते ही तेरह उधर से तेरह इधर छब्बीस तो हो ही गए ना अब इसको देखिए इसमें क्या किया जा रहा है जहां पे देखिए यहां पे ऐसी लाइन है जहाँ पे ये जो सर्कल है उसको हटा दिया जा रहा है उसके एक पहले जो जो अपना सर्कल था उसको भेज दिया जा रहा है उसको ऐसा घुमाया जा रहा है ठीक है देखिए इसको ऐसा घुमाया गया ये ऊपर पहुँच गया ये ऊपर पहुँच गया देखिए यहाँ पे जो था ना उसको क्या कट मिट हटा दिया गया उसके एक एक पहले क्या गोला पहुँच गया अब इसको भी ऐसा घुमाइए तो जहाँ पर भी ये सर्कल है वो हट जाएगा मतलब वो गायब हो जाएगा तो अपना ऊपर कौन सा पहुँच जाएगा ये ऐसा और ये देखिए गोला कहीं जाने का ऊपर जाने का जगह नहीं तो फिर से नीचे पहुँच जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब इसमें देखिए क्या हो रहा है दो भागों को काटा गया ठीक है एक भाग ऐसा है दूसरे भाग को दूसरा भाग काट के उसके ऊपर लगा दिया गया तो जो पहला वाला भाग है वैसे ही रहेगा दूसरा भाग उसके साथ में हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए देखिए ये भाग तो सेम टू सेम यहाँ रखा हुआ है अब ये वाला जो भाग है उसको ऐसा उल्टा करके यहाँ रख दिया गया इसमें भी ये वाला भाग सेम रहेगा और ये वाले भाग को ऐसे पलट के रख दिया जाएगा अड़तीस क्वेश्चन हमने कर लिए अब इसमें देखिए क्या हो रहा है अब इसको नॉर्मल समझिए आप ऐसा घुमाइए नॉर्मल इसको क्या कीजिए यहाँ से देखिए जो ये वाला पार्ट होगा ऐसा और ये वाला पार्ट ऐसा होगा तो इसको ऐसा घुमाइए घुमाइए घुमाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी और ये जो आपका जो तीर का जो निशान है वो ऐसा यहाँ आ जाएगा ठीक है घुमाने के बाद तो ये वाली जो चीज़ है घूम के यहाँ पहुँच जाएगी जो ये चीज़ है उसको कलर कीजिए इसको कलर कर दीजिए इसको कलर घुमाएंगे तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इस तरीके से अब इसी तरीके से इसको समझे इसको यहाँ से ऐसा रख दीजिए इसको ऐसा कर दीजिए फिर इसको आप ऐसा घुमाइए तो तीर का निशान जो है क्या जैसे ये ऐसा था ये भी ऐसा है तीर का निशान ऐसा रहेगा और तीर के निशान में देखिए ये अंदर की ओर है ये अंदर की ओर दोनों तरफ बाहर की ओर चले जाएंगे ठीक है तो ये बाहर की ओर और, और ये बाहर की ओर ठीक है अब जो भी होगा ऐसा घूमेगा तो जो कलर होगा ऊपर के साइड ऐसा पहुंच जाएगा ठीक है ऊपर साइड पहुंच जाएगा तो ये दोनों खाली हो जाएंगे और इधर कलर हो जाएगा इधर भी कलर तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी बिल्कुल सही है सभी लॉजिक सही हो रहे हैं अब देखिए चालीस नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए यहां पे क्या है एक दो तीन चार ठीक है तो वो किया गया तो इसको देखिए जब इधर ले मतलब ये इस साइड आ गया और लाइन ऐसी हो गई ठीक है ऐसे लाइन हो गई और यहाँ पे जो थी वो भी क्या है वैसे घूम के जो ये वाली लाइन थी वो ऐसी हो गई और यहाँ पे तीन जो सर्कल बने थे वो दो हो गए तो यहाँ पे देखिए तीन जो लाइन है वो दो हो जाएंगी दो लाइन वाली कहाँ पे है ये तीन है काट दीजिए ये भी तीन है काट दीजिए अब दो लाइन वाले ही अपने कोई आंसर है ए और बी में से ठीक है अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे लाइन सीधी सीधी है लाइन सीधी है तो लाइन को क्या होनी चाहिए लाइन क्या होनी चाहिए ऐसी होनी जानी चाहिए ठीक है ना तो देखिए पहली लाइन ऐसी थी सीधी अभी ऐसी हो गई अब फिर से ऐसी है तो क्या लाइन सीधी आनी चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है क्योंकि यहां देखिए यहां भी स्क्वायर बना हुआ है यहाँ भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर बना है तो आंसर अपना स्क्वायर में ही तो आना चाहिए ये ट्रायंगल बना हुआ इसलिए गलत है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर ए ठीक है ऑप्शन नंबर बी सही है ऑप्शन नंबर ए नहीं बी अब इसमें देखिए क्या हो रहा है इसमें कौन सा सही होगा बताइए इसमें कौन सा सही होगा देखिए यहाँ तीन कितने बज रहे हैं बताइए यहाँ पे छह बज के पंद्रह मिनट लेकिन यहाँ नब्बे डिग्री का कोड बना क्योंकि लाइन देखिए सीधी है नब्बे डिग्री का कोड यहाँ भी लाइन एकदम सीधी है नब्बे डिग्री यहाँ भी नब्बे डिग्री का नाइन्टी डिग्री यहाँ देखिए सीधा नहीं है यहाँ भी नहीं बन रहा है नब्बे का यहाँ बन रहा है नब्बे का जी हाँ यहाँ नहीं बन रहा है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है आम अब देखिए आम का संबंध किससे है आम का संबंध फल से मतलब आम क्या है फ्ला क्या है फ्लावर है फ्रूट है फ्रूट है ना आम क्या है फ्रूट्स है मतलब फल है तो आलू क्या है सब्जी है आलू क्या है सब्जी ठीक है ना आलू क्या है सब्जी अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे सर्कल था सर्कल में एक सर्कल है तो यहाँ दो हो गया यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे स्क्वायर में एक स्क्वायर है तो दो स्क्वायर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रायंगल है तीन भुजाओं से गिरी हुई आकृति फिर आगे बढ़ के वो क्या हो गया स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्या पेंटागोन है पेंटागौने पाँच भुजाओं से गिरी हुई आकृति छः हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे अपना बर्फी सेप है ठीक है बर्फ़ी सेप में है? एक दो तीन चार है तो चार भुजाओं से एक दो तीन चार भुजाओं ठीक है यहाँ पे ट्रायंगल है तो अंदर में चार भुजाएं हैं तो फिर अंदर में चार भुजाएं तो ट्रायंगल के अंदर चार तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है बस ऐसे ही करना है तीन तीन का संबंध नौ से है तो तीन का स्क्वायर जब तीन का स्क्वायर करेंगे मतलब तो तीन गुड़ी तीन करेंगे तो नौ आ जाएगा तो पांच गुड़ित पांच करेंगे तो यहाँ पच्चीस आ जाएगा ऑप्शन ठीक है वह जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था क्यूब का कॉन्सेप्ट था और यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है चलिए सैंतालीस नंबर का क्वेश्चन देखें इस पर क्या हो रहा है इसको जो देखिए तीर का डायरेक्शन इस साइड था तो अगले वाले में इसके अपोजिट हो गया जो ऐसा गोला नीचे की ओर था वो ऊपर की ओर हो गया तो इसमें भी देखिए क्या होगा यहाँ पहले स्क्वायर बना लीजिए अब जो गोला नीचे की ओर है तो लाइन के नीचे उसको ऊपर कर दीजिए और जो तीर का निशान इस साइड है उसको इस साइड कर दीजिए तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी और किसी में है क्या ऐसा नहीं ना ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी था कि कौन सा था हाँ डी ठीक है अब यहाँ देखिए अपने पास क्या था स्क्वायर सर्कल है सर्कल के अंदर क्या है एक और सर्कल को फील कर दिया गया छोटा स्क्वायर के अंदर स्क्वायर को क्या किया है फील कर दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है अपने पास क्या है स्क्वायर है अपने पास क्या है स्क्वायर है स्क्वायर को बीस से काटा गया और इधर दो भागों में बांट दिया गया उसके आगे वाले पार्ट को इसको भी दो भागों में बांटा जाएगा ठीक है तो इधर के दो इधर के दो भागों को क्या किया जाए इधर को कलर कर दिया जाएगा इधर के तो ऑप्शन नंबर कौन सा है कलर नहीं किया गया बस दो भागों में बांटा गया तो ये अपने पास स्क्वायर सर्कल सर्कल को बीस से काटा गया ठीक है दो बराबर भाग इसका दो भाग तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो उनचास अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ट्रायंगल है ट्रैंगल के इस कोने पे है उसको कलर नहीं किया गया है गोले को तो जब नेक्स्ट वाला उसका जो संबंध आएगा क्या हुआ इसके यहाँ पे आ जा जाएगा लेकिन उसको कलर कर दिया जाएगा ठीक है तो अपने पास स्क्वायर है तो स्क्वायर फिर से बना एक स्क्वायर है स्क्वायर बना दिया गया इस कोने पे, पे है उसको कलर नहीं किया गया तो अगले वाले में क्या होगा अगले वाले में इस कोने पर आ जाएगा लेकिन उसको क्या होगा कलर किया जाएगा तो ऐसा ना कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर डी ठीक है देखिए इसी तरह हमने 50 एनालॉजी के क्वेश्चन कर लिए सदस्यता से, से रिलेटेड इसके बाद आपके लिए जियोमेट्रिकल फिगर पेपर कटिंग मिरर इमेज एम्बेडेड फिगर स्पेस विजुअलेशन सबसे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आप सभी को रेडी रहना है जितने भी क्वेश्चन हो गए इससे इसके बाद मैथ्स से आप देखिए जैसे ही आप मेंटल एबिलिटी अभी पढ़ेंगे वीडियो आपके लिए अपलोड होगी जस्ट बाद आपके लिए मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पांच क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा उसको जरूर देखें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसे वो पांच क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं आप सभी को ठीक है फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ आप सभी को वीडियो लाइक करना है दोस्तों को शेयर जरूर करना है ठीक है मिलते हैं